तो हेलो गाइज, असम से मैं अभिनक आप सबको स्वागत करता हूँ मोबाइल युक्त यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के सहायता से ऑनलाइन ट्यूशन का चलाते हो या फिर ऑनलाइन ट्यूशन का करते हो तो मैं आज आपको इस वीडियो में व्हाट्सएप का 5 शॉर्टकट टिप्स के बारे में बताऊँगा। इस टिप्स को जानने के बाद आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है सेव हो जाएगा, आपको बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि व्हाट्सएप मैसेज को जल्दी कैसे ढूंढें। व्हाट्सएप ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा मैसेज आता है और कभी कभी कहते हैं कुछ मैसेज हमें इंपॉर्टेंट पड़ता है, उसको जो हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ढूंढते हैं। बहुत ज़्यादा मैसेज आने के वजह से वो जो मैसेज है वो काफ़ी ऊपर में चला जाता है और उसको जो बहुत टाइम से जो उसको स्क्रॉल करना पड़ता है और उसमें जो हम लोगों का जो काफ़ी सारा टाइम जो निकल जाता है। लेकिन उसको शॉर्टकट तरीके से ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर थिएटर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च में क्लिक कर देना है और उसके बाद आप जिस मैसेज को ढूंढ रहे हो उस मैसेज का अगर कुछ भी लेटर आपको याद है तो वो लेटर आपको इधर में सर्च कर देना है। तो आपको जो इधर में येलो मार्क होकर हाईलाइट हो जाएगा जो आप काफ़ी आसानी होगा ढूंढने में। उसके लिए भी अगर आपको पूरा मैसेज याद है तो इधर में आपको पूरा मैसेज लिख देना है। लिख देने के बाद आपको क्या करना है, सर्च बटन में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इधर में पिना क्लिक के सर्च किया था तो किसी ने मुझे पिना क्लिक के मैसेज किया तो वो जो मैसेज है वो डायरेक्टली आ गया। तो काफ़ी आसानी होगा आपको इसी तरीके से अगर आप ढूंढते हो। तो चलिए दूसरे ऑप्शन के बारे में बताते हैं। दो नंबर में आता है जो व्हाट्सएप में जो फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट लिंक जो लोग भेजते हैं उसको कैसे शॉर्टकट तरीके से ढूंढे। तो बहुत ज़्यादा मैसेज आने के वजह से वो भी जो काफ़ी सारे ऊपर में चला जाता है और उसको भी जो हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करके उसको ढूंढते रहते हैं। तो इसको शॉर्टकट तरीके से ढूंढने के लिए आपको कहना है ऊपर थिएटर में क्लिक करके आपको ग्रुप मीडिया में क्लिक कर देना है। तो आपको डायरेक्टली जो मीडिया के आइकॉन में देख सकते हो लिखा है ऊपर में मीडिया आइकॉन, उसमें क्लिक करोगे तो आपको नीचे सारा फोटो वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे उधर में डॉक्यूमेंट भी देखने को मिल जाएगा। लिंक में क्लिक करोगे तो जो जिसने लिंक शेयर किया वो भी लिंक आपको इधर में डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी आसानी होगा अगर आप इस तरीके से ढूंढते हो, उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम जो है बच जाएगा। तो चलिए तीसरे ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में है व्हाट्सएप में किसी भी मैसेज फोटो वीडियो को इम्पोर्टेंट मार्क कैसे करें। जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ फोटोज या फिर वीडियोज मैसेज जो आपको बार बार देखने को जरूरत पड़ता है और उसको जो आप ऊपर से स्क्रॉल करके उसको ढूंढते हो देखते हो, लेकिन उसको जो अगर आप इम्पोर्टेंट मार्क करके रख दोगे तो वो जो है आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जो इसको आसानी से देख सकते हो। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करने के लिए आपको जो मैसेज इम्पोर्टेंट है उस मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देना है और उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हो एक स्टार लिखा है, उस स्टार मार्क में आपको क्लिक कर देना है। तो वो जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, ग्रुप का जो नाम है उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इधर में देख सकते हो स्टार मैसेज लिखा है उसमें क्लिक करना है। तो देख सकते हो ये जो मैसेज है वो इधर में आ गया है जो आपको काफ़ी आसानी होगा बार बार देखने के लिए। तो चलिए चौथा ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो चौथा ऑप्शन में ये है कि ग्रुप में किसी को मेंशन करके मैसेज कैसे करें या फिर रिप्लाई कैसे करें। जैसे ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा यूज़र रहता है लेकिन आपको जो है किसी पार्टिकुलर किसी को सिलेक्ट करके आपको रिप्लाई करना है या फिर मैसेज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज टाइप करने के पहले आपको जो एट द रेट का जो सिंबल है वो जो में दे देना है। देने के बाद आपको इसमें ग्रुप में जो जो यूज़र है वो आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो जिस जिसको आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी अगर आपको फिर से सिलेक्ट करना है तो फिर से आपको एट द रेट का सिंबल देना है। देने के बाद फिर से जो ये ऑप्शन आएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको जितना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद जो आपको इधर में मैसेज जो टाइप कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपने जिस जिसको मेंशन किया है उसको समझ में आसानी होगा कि आपने उसको मैसेज किया है, ये जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिफ्थ ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन में ये है कि व्हाट्सएप में कस्टम नोटिफिकेशन कैसे सेट करें। जैसे आपका जो व्हाट्सएप में काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है लेकिन व्हाट्सएप पर जो नोटिफिकेशन जो टोन है वो एक ही तरह की बसता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में जो अलग तरह की नोटिफिकेशन टोन लगा दोगे तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगा समझने में कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए। तो इसको सेट करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नाम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो जब मैं जो कस्टम नोटिफिकेशन लिखा है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स को टिक कर देना है और आपको जो नोटिफिकेशन टोन में क्लिक करना है और उसके बाद आपको इधर में काफ़ी सारा जो नोटिफिकेशन टोन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर बैक जाना है तो ये जो नोटिफिकेशन टोन है वो सेट हो जाएगा। तो जब भी जो इस ग्रुप में मैसेज आएगा आपने जिस नोटिफिकेशन टोन सेट किया है वो नोटिफिकेशन टोन बजेगा। तो यही था जो 5 टिप्स जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके उसको ऑल में कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सोल्यूशन चला जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।